भारतीय जनता पार्टी आज 3 बजे से संसद मार्ग पर टेलीटॉक से जैसे रोड जशन रोड शो निकालेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, साथ ही भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का कहना है कि रोड शो मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि अगर जरूरी न हो तो नई दिल्ली में आधे बच्चों और पर्याप्त समय लेकर चले। बार बार के रोड शो के चलते सोमवार दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक शोकोड विंडसर पैलेस से डीपीओ जैसी रोड संसद मार्ग जनपद से संसद मार्ग तक टॉलस्टॉय मार्ग रेल भवन गोल चक्कर से संसद मार्ग तक रफी मार्ग धर्मेंद्र रोड इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहब लेन बंद रहेगी। तेज रही बर्फी हवा रविवार को दिल्ली 4.7 डिग्री के साथ टूट गई। 3 दिन बाद के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। सोमवार इसमें और गिरावट होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर सप्ताह के लिए शिकायत रेजर वाला डाई किया गया है। असमय कोहरे के कारण 13 रेलगाड़ियां भी देरी से चलती हैं। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि 12-3 डिग्री तक पहुँच सकता है। दिन भर शीतलहर जैसी स्थिति रहेगी। पुरस्कार के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारत जोड़ो यात्रा 3,000 से अधिक किलोमीटर का सफर तय कर 18 जनवरी को यहाँ
प्रदेश के मेवा पहुंचेगी। करीब 24 किलोमीटर की यात्रा के बाद अपराह्न 4:30 बजे मलट में एक जनसभा का आयोजन होगा। 11 के लिए प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता मलट पहुंचेंगे। हर जिला के कार्यकर्ता अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की झलक पेश करते हुए यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। जनसभा के बाद भारत जोड़ी 11 पंजाब में प्रवेश करेगी और रात में विश्राम भी करेगी। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि भारत जोड़ी 11 के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सुक्खू भी और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं।